सारा रात हम मंदिर की तरफ आ गए, लेकिन उस मनुष्य का कोई पता नहीं चल रहा है कि वो मनुष्य कहाँ छुप गया है। शराब फैरोनाथ, खोज निकालो उसे, अगर मिलता है तो शराब ज्यादा को यहीं पे समाप्त कर दो। क्यों नहीं, मेरे साथ चलते है खंडर की तरह। जय भोलेनाथ। मुसाफिर देखिए, ये मेरा राजमहल है। ये आपका राजमहल है? जी हाँ। लेकिन देवी जी, मुझे इन सर्पों का मुझे डर लग रहा है। इनसे आपको डर लग रहा है? लेकिन मैं तो हर रोज इन्हें की ही पूजा करती हूँ। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें डर लगता है तो मैं अभी इसे हटा देती हूँ। ओम नमः। अब ठीक है? अब तो नहीं डरोगे? नहीं देवी जी। आप तस्वीर की बात करते हो और मैं तो तुम्हारी तकदीर ही बदल देना चाहती हूँ। लेकिन देवी जी वो कैसे? अरे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन देवी जी, ये आवाज कैसी आ रही? ये तो मेरे पिताजी की आवाज है। क्या पिता? लगता है कि मेरे पिताजी आ रहे हैं। तुम यहाँ से जाके मेरे बेड के पीछे छुप जाओ, नहीं तो मेरे पिताजी तुम्हें मार देंगे। जाओ जल्दी जाओ यहाँ से। चलिए गुडेव राजमहल के तरफ। समुद्र जादी और निश्चित यहाँ समुद्र जादी सामने आओ जी। तम और निश्चित हो तो मैं तो निश्चित हूँ। मंदिर में होना था तो तम निश्चित है। यहाँ क्या कर रही हो? पिताजी मैं पूजा करने के लिए जा रही थी। पूजा करने के लिए? पूजा का समय हो गया और पूजा करने जा रही हो? जी पिताजी। ये बोलिए कि यहाँ कोई मृत लोग का इंसान तो नहीं आया हो? नहीं पिताजी, यहाँ कोई इंसान नहीं आया है। यहाँ कोई नहीं आया? जी पिताजी। देखिए सच सच बता दो, क्योंकि वन मनुष्य की गंध हम तक आई है। और बता दो कि वो मनुष्य कहाँ है, और सच बता दोगी तब तो कुछ नहीं होगा। अगर झूठ बोली तो अंजाम तदनाम होगा। पिताजी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, यहाँ कोई इंसान नहीं आया है। जरूर आपको कोई गलत फहमी। नहीं जानी गलत फहमी। निगाल विश्वविद्यालय की खोपड़ी को और उस मनुष्य का पता लगाओ कि मनुष्य कहाँ है जो हमारे शाला नागलोक में आ गया है। ये बिशित देवी की खोपड़ी है, अभी पता लग गया। ओ चमुंडाय नमः, ओ कमिक्षाय नमः, ओ बच्चो। लड़की हमारे मंत्र को काट रही है, अगर कहीं गोद की ज्वाला फड़ गई
जलाकर राख कर दूंगा। ओम रुद्रकाली नमः, ओम भद्रकाली नमः, ओम कबु कबु छाये नमः, ओम भैषाये नमः। है वो कुत्ते का पिल्ला। ठहरो भैरो राव, इसे होश में लाओ, इस कमबख्त को होश में लाओ। और यहां तक जगह जाओ लड़की, खराब खोर कितनी बड़ी हिम्मत हो गई जो हमारे नाग लोग में कदम रखा। अरे कमीने हराम खोर, तू यहां तक कैसे पहुंच गया है? तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे नाग लोग में अपने कदम को रख दिया? तो छोकर कौन है और क्या है तेरा? छोकर कौन है, क्या है तेरा नाम, रहने वाला कहां का, कहां तेरा है? किस बल का रहने वाला और यहां तक कैसे आ गया है बोल? लोग हिंदुस्तान कंचनपुर दरमियान मृतलोक का रहने वाला है और तेरा नाम राजू है। पाल यहां तक तो कैसे पहुंचा है? तेरी हिम्मत कैसे हो गई जो हमारे मुल्क में कदम रखने की? पाल मुसाफिर मुझे क्यों याद किए हो? पिताजी, पिताजी आप ही यहाँ के? शराब खोर तो तू है, इश्क को यहाँ तक पहुँचाया है। हराम खोर जरा भी मेरा खाप नहीं खाया को यहां तक पहुंचा दिया। ये कमीना यहां तक कैसे आ गया है बाल? वरना हम तेरा गला घोट देंगे। दौलिस की हिम्मत कैसे होगा यहां तक आने के लिए? बाल कैसे यहां तक पहुंचाइए? जरा शमशा उठाओ, फिर बताते हैं दोनों को। बहुत पछताओगे बाला।
चंबा ने तुम्हारा पहरा नागलोक की सीमा पे लगाया था, तो ये मृतराज का इंसान हमारे नागलोक तक कैसे पहुंचाओ? पिताजी आप ये क्यों भूल रहे हैं कि बिना बगैर सवाल हल किए बगैर कौन मुसाफिर आ सकता है यहाँ? हाओ तो फिर ये कैसे आ गया? तीन प्रश्न थे जो आपने मुझे दिए थे। हाँ। आपने कहा था कि जब कोई मृत लोक का इंसान हमारी नागलोक की सीमा पर आए तो उसके समक्ष ये तीनों प्रश्न अगर हल कर देता है तो उसको आने देना, अगर नहीं दे पाता है तो उसको मौत के रास्ते पहुंचा देना। तो तूने क्या किया? पिताजी मैंने वही किया, इस मुसाफिर के समक्ष वो तीनों प्रश्न रखे और उसने बड़ी आसानी से आपके तीनों प्रश्न को हल कर दिया। पिताजी क्या इसने हमारे तीन प्रश्न को हल किया? जी बाबू जी। नहीं, आज तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो हमारे तीन प्रश्नों को हल कर सके। पिताजी आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो आप स्वयं पूछ सकते हैं। अवश्य पूछूंगा, अगर से जवाब दिया होगा तब तो अच्छा है, अन्यथा यही बेमौत मारा जाएगा। बाल अगर हमारे तीन प्रश्नों को हल किया है तो हमारा पहला प्रश्न है, इस संसार में सबसे मीठा फल किस चीज का होता है? इस संसार में सबसे ज्यादा मीठा फल, इस संसार में सबसे ज्यादा मीठा फल सब्र और संतोष का होता है। भैरव ना, ये तो वाकई मेरे कुछ कमाल का है, लेकिन नहीं, अभी दो प्रश्न है और तो प्रश्न तेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। दूसरा प्रश्न हमारा यही है, इस संसार में नारी जात क्या नहीं कर सकती है? इस संसार में नारी जात चाहे तो पल भर में काली का रूप बना लो, चरका दुर्गा बन सकती है, लेकिन इस संसार में नारी जात सिर्फ एक काम नहीं कर सकती, क्या? बगैर मर्द के सहारे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। देखा, वाकई में यही करता है बेटा कि नारी जात सब कुछ कर सकती है लेकिन बगैर मर्द के सहारे एक औलाद को जन्म नहीं दे सकती। तीसरा प्रश्न हमारा ये है, इस संसार में इंसान किस चीज के लिए भटकता है? इस संसार में इंसान किस चीज के लिए भटकता है? इस संसार में इंसान अपनी तमन्नाओं के लिए, जैसे कि मैं आपकी बेटी समुजादी की तस्वीर के लिए भटक रहा। देखा तो वाकई में ये कोई असाधारण लड़का नहीं है। भैरवनाथ, इसे हमारे तीस प्रश्नों को हल कर दिया है और मैंने प्रतिज्ञा किया था कि जो हमारे तीन प्रश्नों को हल करेगा उसी के साथ एक दिन मैं अपनी बेटी समुद्र जाति की शादी ले जाऊंगा। और आज ये काम राजू ने कर दिखाया है। बेटा आज ये नागराज तुझे अति प्रसन्न है, मांग ले दिल खोल मांग ले, आज ये नागराज देने से इनकार नहीं करेगा, जो कुछ मांगना चाहता है मांग ले। सिर्फ मुझे समुजादी की तस्वीर के लिए आया हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तस्वीर चाहिए? अरे बेटा तस्वीर नहीं, आज हम तेरी तकदीर ही बदल देंगे, अभी दिखाता हूं। बेटी शब्द जाली इधर आओ, आओ फैलो डाल। बेटी मैंने वादा किया था, मैंने प्रतिज्ञा किया था और आज हमारी वो प्रतिज्ञा पूर्ण हुई है। आज मैं तुम्हारा हाथ राजू के हाथ में दे रहा हूं, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? आओ बेटा मेरे समक्ष आओ। राजू अब तुम्हारा जब तक जी चाहे हमारे नागलोक में रह सकते हो, और अब तुम्हारा जी चाहे तुम अपने वतन को जा सकते हो।
बेटा मोहनी, मोहनी इधर आओ, इधर आओ। अरे आओ तो बताओ, काम तो है। क्या काम? देखो नाराज मत हो, मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो गई हो। क्यों मारा मुझे? बेटा मैंने अनजाने में जो कुछ किया ये अनजाने में हुई। तो मैंने कहा था ना कि आप पछताएंगे। बेटा सत्य कहती हो तो, लेकिन छोड़ो इन बातों को। अब देखिए कि ये तुम्हारे जीजाजी हुए और तुम्हारी दीदी, और तुम अपने जीजाजी की खातिर बात करो और हम लोग जाते हैं श्री कैलाश पर्वत। इनकी सेवा में कोई कमी नहीं होने देना। आलमपुरी कहाँ जी है? आलमपुरी भी मेरे साथ में रहेगा। ठीक है आलमपुरी देव। चलो हमारे साथ, हम चलते हैं मंदिर में। जय भोले राम, सदा खुश रहो। जय शाली जी, आपके पिता तो बहुत इतने गुस्से में कि हमारी तो चमड़ी उतार ली। भले नहीं खोल ली तुम कथा। अरे कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम। तुम्हारे पीछे मैं भी तो मारी गई हूँ। ये मारी गई कि नहीं दीदी? क्यों, तुमको पढ़ा नहीं पढ़ा? मुझे नहीं पढ़ा। हाँ तुमको नहीं पढ़ा। पिताजी मुझे छोड़ दिए। बहन क्या जीजा जी से बातें ही करूंगी कि अपने जीजा जी के लिए चाय नाश्ता के इंतजाम नहीं करूंगी? भूखड़े हैं काहे एकदम से? बहुत भूखे ना। ये कुछ ना हो, पहले बात करें हम, जब फिर खाना पियाना पी हैं। हम ठूंसा मारब के तो उतनी दूर से बात किया। देखिए जीजा जी, दिखा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। जब तो मैं कह रही थी, कान खोल कर सुनो, चुप्पे सुनो। जब तो मैं कह रही थी कि मेरा कहना कर लो, तब तो नहीं सुनी। अब कोई बात नहीं, अगर काठी में ही तो गिरा, घी गिरा तो है? क्यों तुम दीदी समझा लो इनको, नहीं तो हम फिर इनकी याद हमारी याद को नहीं जानते हैं ये। देखिए आप लोग इंतजार कीजिए, मैं अभी चाय नाश्ते का इंतजाम करके आ रही हूँ थोड़ा सा। हाँ और आ रही हूँ, जल्दी आना जाओ। और पाके सजनवा घर आए, ओ पाके सजनवा घर आए, दुल्हनिया घुंघटा आना चाहिए। ऐसे ही आ गई तो हम काजल नृत्य हुए हैं। बाके सजन घर वो तो सब ठीक है, लेकिन जीजा जी यहाँ क्या कर? बाके सजन यहाँ क्या ढूंढ रहे थे? मंगलसूत्र ढूंढ रहे थे क्या जी? हेरा गया था ना तो निकालने लगे। अरे हमका ना पड़ा तो। हाँ मंगल सूट ढूंढ रहे हैं। जीजा जी मैं आपके लिए कुछ लेने गई थी। अरे क्या लेकर आई? पहले तुम आंखें बंद करो तो। लो भाई आंखें बंद कर रहा हूँ। हाँ मारे नहीं ना ठूसा मारे, अपनी बंद करो ना अपनी। हाँ दोनों हाथ ऐसे ऊपर करो, ऊपर ऊपर। अरे बाप ये क्या कर रहे हो? ऐसे करो दीदी, तुम जरा उधर देखना तो। हाँ ठीक है मैं इधर देख रही हूँ। अरे
अच्छा तोहफा है ना। नहीं जगड़ नहीं रही हूँ, आंखें खोल कर देखिए कितना अच्छा तोहफा है देखो। ये यहाँ अरे पगली है क्या करे, इसको निकाल जल्दी। क्यों क्यों निकालना? अरे दिखाया नहीं जाता, जल्दी इसको निकाल दो, इसको छुपा ले छुपा ले। क्या? अरे इसको छुपा। क्यों मर्दों को नहीं दिखाया? अरे दिखाया नहीं जाता है, छुपा ले। अरे ये क्या कर रही है, पागल हो गई है फिर? अरे वहां नहीं, और कहीं छुपा ले। हाँ अब ठीक है, अब सही है। ऐसा लग रहा है जैसे 3 महीने का। दीदी हाँ बहन, आप लोग जल्द आइएगा, मैं चाय ठंडी होने के पहले पी लूंगा। ठीक है। हो जिनके आगे जी अच्छा, जिनके पीछे जी जी जी, मैं इनकी साली हूँ। ओ मेरे जी जाती, जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी जी जी, मैं इनकी साली हूँ। कसम से जी आज से लोग हमें शंभू सिंह ही जानेंगे, आज से लोग हमें डाकू रतन सिंह के नाम से जानेंगे। और कहते हैं सब डाकू मुझे, डाकूपन मेरा काम मुझे, डाकूपन मेरा काम नहीं, इस देश की रक्षा करता हूँ, डाकू की कोई पहचान करता हूँ, डाकू की कोई पहचान नहीं। इस देश पे कोई डाले नजर, किसी में वो आप नहीं, और शंकर सिंह से बदला ले मेरे किसी के काम नहीं। और शंकर सिंह से बदला ले मेरे किसी के काम नहीं। मैंने एक लड़के को वचन दिया था कि कंचनपुर रियासत से लेकर नागलोक की सीमा तक मदद करूंगा, लेकिन जेल हो जाने के कारण उसकी कोई मदद नहीं कर सका, और अब मैं जेल से बाहर आ गया तो सबसे पहले मैं अपने वचन का पालन करूंगा। बहुत अच्छी बात। और राजू नाम के लड़के की तलाश करूंगा, खोज करूंगा, काश अगर उसे कुछ हो गया तो। मैंने विधवा माँ को वचन दिया है, मेरा वचन खाली जाएगा, खाली जाएगा, इसे तुम्हारा काम होगा
तुम कंचनपुर रियासत के अंदर भ्रमण करो और ये पता लगा कि शंकर सिंह क्या क्या जुल्म कर रहा है, कंचनपुर रियासत के अंदर क्या क्या अत्याचार कर रहा है, और फिर उसके बाद वो लड़का हमें मिल गया तो मैं बहुत जल्द कंचनपुर रियासत वापस आऊंगा। बहुत अच्छी बात। एक बार माँ भवानी का जयकारा लगाओ और कूच करो, जय माँ भवानी की।